चर्चा में आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अर्थ मंत्री सुधीर मुंगंतीवार उन्होंने महाराष्ट्र का अर्थ संकल्प सादर किया है। विधायक यहाँ अर्थ संकल्प पर विधायक देवेंद्र फडणवीस जी उन्होंने अर्थ मंत्री सुधीर मुंगंतीवार का स्वागत किया है। राज्य का बजट सादर करने पर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने उनका अभिनंदन किया। महाराष्ट्र के अर्थमंत्री ने जो बजट पेश किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही बैलेंस्ड इस प्रकार का बजट पेश हुआ है। इस बजट के माध्यम से महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कई योजनाएं सामने आई है। विशेष रूप से खेती किसानी के क्षेत्र को एक सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, एक शाश्वतता देने के लिए जिस प्रकार की प्रोविजन इसमें की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे खेती किसानी को फायदा होगा और उसमें शाश्वतता भी आएगी। इसके साथ साथ जो हमारे दुर्बल घटक है, वंचित घटक है, उनके लिए भी जो योजनाएँ तैयार की गई है, चाहे वो कुछ दिव्यांग हो उनके लिए अनुदान बढ़ाया गया है, दिव्यांगों के लिए विशेष अनोखी योजना तैयार की गई है, जो हमारी विधवाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, ऐसी सारी महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलती है उसका अनुदान 600 रुपये से प्रति माह 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये तक बढ़ाया हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनकी जो योजनाएं हैं उनको ज़्यादा निधि दिया गया है। OBC के लिए विशेष रूप से योजनाएँ तैयार की गई है। OBC में भी जो अलग अलग घटक है जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, ऐसे पारंपरिक उद्योग करने वाले 12 बलूतेदार हैं, इनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, चाहे वो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस पर बहुत बड़ा बल इस अर्थ संकल्प के माध्यम से, इस बजट के माध्यम से दिया गया है। रोजगार निर्मित पर बहुत ज़्यादा बल इस अर्थ संकल्प ने दिया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर 4 प्रमुख योजनाएं कि जिनके माध्यम से युवकों के लिए, महिलाओं के लिए और उसके साथ साथ जो हमारी विधवाएं, परित्यक्ता, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे घटकों के लिए भी अलग अलग योजनाएं चलाई जाएंगी। जो नक्सलग्रस्त एरिया है वहाँ पर भी रोजगार निर्मित की विशेष योजनाएँ इसके माध्यम से शुरू की गई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सारे घटकों को एक साथ मदद करने का काम इस बजट के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। हमारे अर्थमंत्री श्री सुधीर मुंगंतीवार जी, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छा महाराष्ट्र को आगे ले जाने वाला बजट अर्थमंत्री जी ने रखा है। MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS ऐप डाउनलोड करें और